किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि सफलता के लिए सबसे मजबूत हथियार क्या है, बिना उसके हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सफलता का सबसे मजबूत हथियार। एक समय की बात है कि एक तपस्वी जी थे। वे नदी के किनारे अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। नदी के उस पार गांव वाले रहा करते थे। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता और एक पुत्री थी, जो तपस्वी जी के लिए हर शाम को गाय का दूध ले जा करके दिया करते थे और तपस्वी जी उस दूध को शाम को पीते थे और फिर तपस्या में अपने लग जाते थे। तपस्वी जी काफी वर्षों से तपस्या कर रहे थे और वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। उसी के लिए मंत्र सिद्ध कर रहे थे। यह काफी समय से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौसम कुछ खराब था और उस समय परिवार के जो मुखिया जी थे वह किसी काम से शहर चले गए थे। वह प्रतिदिन शाम को दूध ले जाया करते थे। मौसम के खराब के चलते बारिश हो सकती थी, जिसकी वजह से नदी में ज्यादा पानी भर जाने से अगले शाम को दूध नहीं पहुंचा सकते थे। इस वजह से माता जी ने उस दिन पुत्री से कहा कि तपस्वी जी को बोल देना कि कल शाम को अगर नदी में पानी ज्यादा भर जाएगा तो दूध पहुंचा पाना मुश्किल होगा। शाम को पुत्री दूध लेकर पहुंची और उसने तपस्वी जी से बोला कि माता जी ने कहा है कि मौसम खराब होने की वजह से वर्षा हो सकती है, यही जिसे नदी में पानी ज्यादा भर जाएगा और पिताजी शहर गए हैं, जिसकी वजह से कल शाम को दूध पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो तपस्वी जी ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है पुत्री, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। उस मंत्र का जाप करते हुए आप पानी के ऊपर चल सकते हो। तपस्वी जी ने पुत्री को मंत्र बता दिया और उस मंत्र को याद करके घर आ गए। दूसरे दिन जब शाम को दूध लेकर के जाना हुआ तो बारिश काफी होने की वजह से नदी में बाढ़ आ गई थी। माताजी ने पुत्री को कहा कि पुत्री आज दूध मत ले जाओ, नदी कैसे पार करोगी? तो पुत्री ने कहा कि तपस्वी जी ने हमें एक मंत्र दिया है माताजी, इस मंत्र को जाप करते हुए हम पानी पर चल सकते हैं और नदी को पार कर जाएंगे। माताजी ने बोला, अगर तपस्वी जी ने मंत्र दिया है तो मंत्र काम करेगा ही। इस तरह पुत्री दूध लेकर के नदी के किनारे पहुंची। नदी में काफी पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ गई थी। उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और नदी पर चलना चालू कर दिया। देखते ही देखते वह नदी को पार कर गई। नदी पार करके जब पुत्री कुटिया में पहुंची तो तपस्वी जी उसको अचंभित होकर देखने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली और चमत्कार को नमस्कार करने लगे कि उनका मंत्र काम कर लगने लगा है, जिसकी तपस्या वो सालों से करते चले आ रहे हैं। आज उस मंत्र की वजह से इस पुत्री ने नदी पार कर लिया। तपस्वी जी पुत्री को धन्यवाद बोला और मन ही मन बहुत खुश होने लगे और फिर पुत्री अपने घर के लिए दोबारा मंत्र का जाप करते हुए नदी पार करके चली गई और तपस्वी जी यह सब कुटिया में बैठकर देख रहे थे। तपस्वी जी ने सोचा कि अब हम खुद चलकर अपने मंत्र का जाप करके पानी पर चलने की कोशिश करता हूं, मगर जैसे ही वो नदी में पैर रखते हैं डूब जाते हैं। दोस्तों, तपस्वी जी पानी में डूब गए और पुत्री पानी में चलकर पार कर गई। दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तपस्वी जी को अपने मंत्र पर विश्वास ही नहीं था, पर पुत्री को बाबा जी के दिए मंत्र पर पूरा विश्वास था। विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हमें विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं तो ही हमें सफलता मिलेगी। दुनिया में जितने भी लोगों ने आविष्कार किया,
किए, उनको विश्वास था यह हो सकता है, तभी उन्होंने आविष्कार किया। उदाहरण के तौर पर एडिसन, इनको पता था कि बल्ब तो बनेगा। ग्राहम बेल, जिनको पता था कि तरंगों से बात हो सकती है। राइट ब्रदर्स, जिनको पता था कि हवा में तो उड़ा जा सकता है। दोस्तों, विश्वास खुद पर, विश्वास अपने काम पर, विश्वास अपनी मेहनत पर, विश्वास अपने लक्ष्य पर होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, हमको सफलता मिलेगी और परिवर्तन ला सकेगी। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें जो भी काम करना है उसमें विश्वास के साथ लगना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने अंदर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।